स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। रेत माफियाओं के करतूत नदी की छाती छन ली। अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद से रेत माफिया बौखला गए हैं और पुलिस पर हमला तक कर रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है श्योपुर में, जहां चेकिंग प्वाइंट पर रेत माफिया की गुंडागर्दी दिखाई दी। एक रिपोर्ट देखिए। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ढुल रही रेत, शासन के नियमों की उड़ रही हैं धज्जियां। सियासी आकाओं के संरक्षण में बेकाबू हैं अवैध रेत माफिया। पुलिस अफसरों पर हमले करने से भी नहीं कर रहे गुरेज। नदियों के इकोसिस्टम को पहुंचा रहे नुकसान। डीएनए पिछले कई दिनों से रेत माफियाओं के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहा है। रेत के अवैध उत्खनन से संबंधित खबरों का प्रसारण लगातार डीएनए करता है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन ने भी रेत के ठेकों पर रोक लगा दी। ऐसे में रेत माफिया बौखला गए, अपराध लगातार कर रहे हैं। ताजा मामला श्योपुर के विजयपुर थाना क्षेत्र के गड़ी के पास का है, जहाँ पुलिस के साथ रेत माफियाओं की झड़प हुई। घटना तब हुई जब चेकिंग प्वाइंट पर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया, जिसे नाराज रेत कारोबार से जुड़े शख्स ने पुलिस पर हमला किया। इसके बाद मौजूद पुलिस कर्मियों के साथ माफियाओं ने जमकर जोर जबरदस्ती की और इसके बाद निडरता से बेधड़क आरोपी ने पुलिस की बैरिकेड हटाई और बड़े आराम से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को निकाल कर भाग निकले। अभी तक राजनीतिक आंकाओं और चंद वर्दी धारियों के संरक्षण में बेखौफ काला कारोबार कर रहे रेत माफियाओं को इस तरह की सख्ती नागवार गुजरी। ऐसे में ये अब काले कारोबारी जानलेवा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। बीते रविवार को जबलपुर में एक ही दिन में दो आपराधिक घटना ऐसी हुई जो बौखलाहट का परिणाम मानी जा सकती है। फिलहाल घटना में कई सवाल संदेहों को जन्म दे रहे हैं, जो पूरे मामले की गहराई से छानबीन किए जाने की जरूरत बता रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट। तो डीएनएन लगातार इस मुहिम को रोज उठाता है, जिम्मेदारों से सवाल तलाशता है और आज मामला श्योपुर का निकलकर सामने आया है, क्योंकि पुलिस पर हमला हुआ है। हमले के बाद जो तस्वीरें हमने कुछ देर पहले आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई, किस तरह से एक पुलिसकर्मी पर माफिया हमला करता है और उसके बाद बैरिकेड्स हटाकर वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल जाता है। बहरहाल, तो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं चर्चा के लिए फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करते हैं। डीके जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से और हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़े हैं। दोनों प्रवक्ताओं का हम स्वागत करते हैं बहुत बहुत डीएनएन पर। जैन साहब, लगातार डीएनएन इस मुहिम को चला रहा है और आज हम श्योपुर का मामला उठाए हैं हमारे चैनल के जरिए और जो वीडियो निकल कर सामने आया है उसमें हमला करते बेखौफ माफिया, रेत माफिया पुलिस पर हमला करते दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि जैन साहब, लगातार हम इस मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, आज एक बार फिर हमने आपको जोड़ा है, क्योंकि अलग अलग प्रदेश के जो खनन के इलाके हैं वहां से मामले रोज आ रहे हैं। आज श्योपुर का मामला आया और हमला हुआ है और वीडियो इस वक्त दर्शक देख सकते हैं। जैन साहब, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति तो नहीं होगी इस बार? नहीं, देखिए, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती तो जिस पुलिस आरक्षक ने या जिस पुलिस हमले ने उनको माफियाओं को रोकने का प्रयास किया है, जी, प्रयास तो किया है, अब उसमें किसी हद तक वो अंशतः सफल हुए हैं ये देखने का विषय है। लेकिन मेरा कथन यह है कि सबसे पहले तो मैं डीएनएन न्यूज को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े इशू को आप लोग इतनी मेहनत के साथ और इतने डेयरिंग के साथ, साहस के साथ उठा रहे हैं। मैं इस प्रदेश की तरफ से सभी जन सामान्य की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने मित्र जो कांग्रेस के मित्र हैं जितेंद्र मिश्रा जी, उनसे भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि ये प्रकृति से खिलवाड़ का विषय है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें कि सभी लोगों का, जन सामान्य का हित जुड़ा हुआ है, निहित स्वार्थों के महज कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए
समूची प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नदियों के सीने छलनी किए जा रहे हैं और हमारा पर्यावरण संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। इसलिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीति से ऊपर उठ के एक जन आंदोलन के माध्यम से इस तरह के प्रयासों को समर्थन करना चाहिए, आपके प्रयासों का, और हमें चाहिए कि हम लोग इस प्रकार के साहसिक कदमों का समर्थन करें, अपना सक्रिय सहयोग दें इसके अंदर। और मैं प्रशासकीय अमले से भी ये निवेदन करना चाहूंगा, बल्कि ये आग्रह करना चाहूंगा कि वो पूरी क्षमता के साथ इस तरह के माफियाओं का, खनन माफियाओं का विरोध करें, विरोध जारी रखें। कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन खनन माफिया लोगों का विरोध जारी रहना चाहिए। आज नहीं तो कल हमें सफलता मिलेगी और एक दिन हमें इस बहुत बड़ी समस्या से निजात भी मिल सकती है। जी मिश्रा जी, मिश्रा जी, जैन साहब का यह कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए अवैध खनन कारोबारियों पर, पुलिस पर अगर हमला हो रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके पक्ष में है जैन साहब भी, और लगातार डीएनएन इस मुहिम को चला रहा है अवैध खनन के खिलाफ, माफियाओं को लगातार उनका पर्दाफाश कर रहा है चैनल के माध्यम से। क्या कहेंगे मिश्रा जी? देखिए अंकुश जी, जी सबसे पहले तो बधाई के पात्र आपका चैनल है जिसने इस मामले को बड़ी तत्परता के साथ उठाया और प्रदेश में हो रही खामियों को उजागर करने का प्रयास किया। दूसरी बधाई मैं दूंगा जैन साहब को जिन्होंने बड़ी बेवकूफी से स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं रेत माफिया मध्य प्रदेश में पनप रहा है। ठीक है, जैन साहब जैसे अच्छे प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता को आपने बैठाना है, निश्चित तौर पर इसी तरह की बात आएंगी, और कोई होता तो इस पर लिपापोती करने का प्रयास करता। ठीक है, लेकिन मैं अभी जैन साहब को सुन रहा था अंकुश जी, जी उन्होंने ये कहा कि लगातार माफिया बढ़ता जा रहा है तो उस पर लगाम लगाने का प्रयास होना चाहिए, जबकि आज जैन साहब को ये बोलना था कि हमने ये कार्रवाई कर दी है। खाली श्योपुर नहीं है अंकुश जी, खाली देवपुर की घटना नहीं है, अभी देखा आपने, हम तो रोज उठा रहे मामला सर, दो दिन से लगातार उठा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र का। भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक शहीद हुआ है एक अधिकारी, आपने वो भी देखा है, 15 सालों में रेत को, माफिया को पनपने दिया गया इस मध्य प्रदेश की सरकार में। अंकुश जी 200 और 250 करोड़ रुपए पे रेत नीति खत्म हो जाती थी, अगर उस पर अंकुश लगाने का काम किया है तो कांग्रेस की सरकार ने किया है, 1200-1400 करोड़ रुपए पे रेत पहुंचा दी थी राजस्व के लिए, आपने देखा, लेकिन फिर वही 9 दिन चले हवाई कोर्स वाली बात फिर आ गई, सरकार बदल गई है और रेत माफियाओं के मंसूबे देखे आपने, रेत माफियाओं का वो देखा आपने किस ताकत से भरसा जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि जब सरोकार का मामला है उसमें अगर पुलिस अधिकारियों को पूरी छूट नहीं मिलेगी, शासन की मंशा नहीं समझ में आएगी तो प्रशासन क्या करेगा? भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं सारे के सारे इस रेत के खनन में लिप्त, कैसे कार्रवाई करते हैं जैन साहब और कैसे कर देगी सरकार, मुझे ये बताइए। सबसे पहले तो अपने नेताओं को रेत के खनन, अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन और अवैध भंडारण की जांच करा दीजिए, सामने आ जाएगा सारा मामला, कार्रवाई होने लगेंगी। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता रेत के कदम में लिप्त रहेंगे उनको जी, मुझे नहीं लगता है कि कोई कार्रवाई होगी। नहीं, लेकिन मिश्रा जी आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं मिलीभगत है? क्योंकि अगर आपने दावा किया कि 15 महीने कमलनाथ जी ने रोक लगाई और बीजेपी दावा करती कि कारण हमने देखा होगा आपने, लेकिन मामले को राजनीति से अलग रखें, अलग रखें। कारनामे को अंजाम देगा। चलिए जैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं मिश्रा जी से जवाब चाहता हूँ। मिश्रा जी, मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर रहा हूँ या प्रशासनिक मिलीभगत की बात कर रहा हूँ? आपको नहीं लगता कि बिना संरक्षण के ये आप कह रहे हैं कि ठीक है बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में काफी कुछ होता है सर, खनन जो अधिकारी हैं उनके हाथ में होता है। मेरा भी नहीं कहना है कुछ जी, लेकिन जब शासन के
अधिकारी और प्रशासन पर शासन का झंडा चलेगा तभी तो वो कोई कार्रवाई कर सकते। मेरा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व है, उनको इन रेत माफियाओं का संरक्षण है, इसलिए प्रशासन कर सकता है, लेकिन खंडन करता हूँ आपका आरोप। भाजपा नेताओं का सवाल है, अगर भाजपा नेता इसमें सम्मिलित होते तो मैं आपसे इस तरह बेबाकी से बात नहीं। बिल्कुल जैन साहब, मैं मिश्रा जी की बात सुन रहा था। भाजपा नेताओं का बिल्कुल सक्रिय सहयोग नहीं है, बिल्कुल सहयोग नहीं है। कमलनाथ जी के समय में भी इसी प्रकार खनन माफिया सक्रिय रहा। डॉक्टर गोविंद सिंह बार बार आवाज उठाते रहे खनन माफियाओं के खिलाफ और मुख्यमंत्री से ये डिमांड करते रहे कि खनन माफियाओं पे रोक लगाई जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन में भी खनन माफिया बहुत अधिक सक्रिय रहे और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई लगाम नहीं लगाया गया। मेरा भी ध्यान था, मैंने आपकी बात को बड़े गहरे से सुना, लेकिन 1400 करोड़ से अगर रेत की नीति पहुंची थी तो इसमें आप खुद बताइए क्या उसमें मिनी बजट आपको दिखाई दे रही। आपके समय में 200 से 250 करोड़ पर के साथ संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। पर्यावरण संतुलन की ओर एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, इसमें सभी अवैध खान है, इसमें देखना पड़ेगा। जी जी बोलिए मिश्रा जी, एक सशक्त जन आंदोलन जब खड़ा हो जाएगा तो कोई इसमें विरोध नहीं कर पाएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं आपसे हत्या कर दी गई इन लोगों ने और दिल्ली के एक दो मामले ऐसे आ रहे, चूंकि आपने आज चैनल में दो मामले दिखाए हैं जबलपुर और श्योपुर, लेकिन दिल्ली कम से कम रोजाना के 20-25 मामले इस तरह के आ रहे हैं, तो कार्रवाई कौन करेगा? कांग्रेस करेगी कि सरकार करेगी? जो बिल्कुल इसीलिए अपना दायित्व निभा सकते। जब कांग्रेस ने लगाम नहीं लगाई तो विपक्ष के माध्यम से तो आवाज उठा सकते हैं। अगर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे इसका मतलब यही इंगित होता है कि आप लोग भी मिले हुए हैं खनन माफिया के साथ, वरना विपक्ष में होते हुए भी आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? आज चैनल को और मीडिया को आवाज उठाने की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि प्रमुख विपक्षी दल होते हुए कांग्रेस सोया हुआ है। की 1400 करोड़ समस्याओं को लेकर खनन माफियाओं की मिली भगत है, इसलिए वो सोई रहती है, कोई विपक्ष का दायित्व नहीं है। ठीक है, चलिए मिश्रा जी सवाल ये है कि जैन साहब इस बात को स्वीकार रहे हैं कि एक जन आंदोलन खड़े करने की आवश्यकता है अवैध खनन के खिलाफ, कि उनकी सरकार कार्रवाई के लिए तैयार रहती है हमेशा से, जैसा वो कह रहे हैं। आपने कहा कमलनाथ जी सीएम थे 15 महीने, उन्होंने बिल्कुल इस धंधे को पनपने नहीं दिया, लेकिन अब वक्त जो है क्या जन आंदोलन का आ चुका है अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए? क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी का लापरवाही बरत रहे हैं और खनन माफिया हमला कर रहे हैं। सर ये वीडियो उस पर दर्शक देख सकते हैं, हमला कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमला हुआ है सर। जी बोलिए। देखिए मीडिया के लोग बड़े जागरूक हैं और वो लगातार आज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं लगातार पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, आपने लगातार दिखाया एक चीज। जी हम क्या कर सकते हैं? हम विपक्ष में हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, हम होता है लोकतंत्र में बहुत बड़ा है, हम अपनी कार्रवाई आपको विपक्ष का लगाएंगे। आप ठीक है, प्रति उदासीन पूछेंगे, आप मिले हुए खदानों को धरना दे रहे, अभी हमको कल गिरफ्तार किया गया चुनाव जिले में रेटी ने सुनना गई पे हम प्रदर्शन करते हुए एक यात्रा निकाल रहे थे सीओ कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए, हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और कैसी कार्रवाई सरकार को करना चाहिए? हमको प्रोत्साहन देने के बजाय रेत माफियाओं के साथ सरकार खड़ी हो गई, कलेक्टर हमारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है, हमें जेल का रास्ता दिखाया गया, हम जहाँ धरना देते हैं पाप हमें गिरफ्तार कर लेती है, सदन में बात रखने जाते हैं तो आप कोरोना की बात करके सदन को आगे बढ़ा देते, सड़क पे हम संघर्ष करते, आप हमें गिरफ्तार करते, इसका
मैं कही आप रेत माफियाओं के साथ लिप्त है और बिल्कुल खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी की। इस मामले में स्पष्ट नीति है भारतीय जनता पार्टी की और हम विपक्ष से भी यह आग्रह करते हैं कि वो इसमें हमारा साथ दे, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे। मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ा जाता है, अगर किसी खिलाफ आंदोलन करते हैं तो गिरफ्तारियां होती है, विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उतरते हैं अगर सड़कों पर। जी ठीक है, जैन साहब बोलिए। आज देखिए मैं जी, जी। आपको स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है इस विषय में जी। हम खनन माफियाओं का पुरजोर विरोध करते हैं, इसीलिए हमारी सरकार में इनका विरोध हो रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और विपक्ष के नाते मैं कांग्रेस से भी आग्रह करूंगा कि वो अपराधियों को पकड़वाने में सत्ता का, सत्ता दल का और प्रशासकीय अधिकारियों का साथ दे और खनन माफियाओं को पकड़वाने में रेत के खनन के खिलाफ खड़े हुए दिखाई पड़े रहे। आप हमें संदेश को क्लोज साथ लेने के बजाय रेत माफियाओं के साथ सरकार खड़ी दिखती है और आप अगर माफियाओं के खिलाफ जाएंगे तो आपको पूरा संरक्षण दिया जाएगा, ये बिल्कुल। कल गिरफ्तारी मूल्य हमला लगा मीडिया के माध्यम से भी और मुख्यमंत्री के माध्यम से भी आप इस प्रकार की केसेस जो है जिसमें कहा भारतीय जनता पार्टी के हम आपसे कह रहे हैं हमारी बात आप मुख्यमंत्री तक पहुंचा दीजिए। कल हम पदयात्रा निकाल रहे थे उत्खनन के खिलाफ, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, ये हम आप पहुंचाइए। लोकतंत्र में इस प्रकार का स्पष्ट प्रावधान है कि आप कभी भी मुख्यमंत्री से या किसी भी मंत्री से मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं उठा सकते हैं मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से आप अपनी समस्याओं का, जन समस्याओं का सकते हैं। आप हमारा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर लीजिए, चलिए मुख्यमंत्री के पास हम बता देंगे सर क्या अवैध उत्खनन हो रहा है। आप मुख्यमंत्री आपको बता दूं कि नेता प्रतिपक्ष के और मुख्यमंत्री के आपस में बड़े अच्छे संबंध है, जो चाहे तो कभी भी मिलकर इन समस्याओं को उठा सकते हैं और इसके लिए सहयोग ले सकते हैं। मिश्रा जी लेकिन कोई भ्रांति नहीं होना चाहिए। जी जी मुख्यमंत्री के बहुत अच्छे संबंध है और शिवराज सिंह जी इस मामले में बहुत उदार नीति के हैं, हर समस्या के लिए वो 24 घंटे तैयार हैं। आप कभी भी उनको अप्रोच करें वो सामने आएंगे और अपना पूरा समर्थन आप लोगों के लिए देंगे। जी शोकोर में और जौनपुर में जरा जयंत से पूछ लीजिए क्या माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उसका एक पत्र जारी कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार असल में उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये चंदा लेते हैं उन लोगों से, उनके सब नेता माफियाओं के साथ में व्यापार करते हैं, इसलिए इनकी क्षमता नहीं अभी कार्रवाई कर पाए। ठीक है जैन साहब, देखिए खाली आरोप लगाने से जनता विश्वास नहीं करेगी जी। इस मामले में जनता भी हमने डंपर के फोटो दिए है, डंपर के मालिकों के नाम दिए है, आपको मालूम है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनके डंपर में हमने फोटो खींचे, बनी हुई रेत बताइए, जेसीबी और पाइपलाइन चलती हुई बताइए, कार्रवाई करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में। ठीक है जैन साहब आखिरी सवाल यही है, कार्रवाई करना आपकी सरकार के हाथ में है, अगर प्रशासनिक अधिकारी ढिलमुल रवैया अपना रहे हैं या प्रशासनिक स्तर पर कहीं भी चूक हो रही है, अगर आप कहते हैं कि शासन स्तर पर हम सतर्क हैं तो प्रशासनिक स्तर पर कहीं ना कहीं गलती हो रही है, चूक हो रही है, तो कार्रवाई की जरूरत है जैन साहब। जी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, आप इस तरह के मामलों को मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में लाते रहिए जी। और मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अपराधियों के लिए हमारी सरकार में बिल्कुल भी कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चले बहरहाल देखना दिलचस्प होगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, आज श्योपुर का मुद्दा हमने उठाया था, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सवाल है कि खनन माफियाओं पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि ये श्योपुर का मामला जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे थे, इस मामले पर हमने चर्चा की, तो किस तरह से वीडियो में आप देख सकते हैं खनन माफिया जो है अवैध तरीके से रेत का परिवहन करते हैं, उसके बाद बैरिकेड्स हटा दिए जाते हैं, पुलिस जब अब खनन माफियाओं को रोकती है तो उन पर हमला किया जाता है, और वो वीडियो हमने आपको दिखाया श्योपुर का, ये जो श्योपुर का वीडियो था वो आपने देखा।
बड़ा सवाल ये कि क्या बड़े स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इतनी लचर व्यवस्था है जो बेखौफ होकर अवैध माफिया हमला करने से गुरेज नहीं करते हैं पुलिस कर्मचारियों पर, और वाकई में प्रदेश सरकार कहती है कि हम अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हैं, तो फिर ये जो मामले डीएनएन रोज उठा रहा है पिछले 8 से 10 दिनों में, तो इन पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर अगर वाकई में लचर व्यवस्था है तो उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। डीएनएन इस मुद्दे को, खनन, अवैध खनन के मुद्दे को रोज उठाता रहेगा, इसी वक्त उठाएगा और जिम्मेदारों से सवाल भी तलाशेगा। चलिए, हमारी खास पेशकश में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।